नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा एनालिसिस की वीडियो में। डेट है आज 24 मई, दिन है मंगलवार का। कल मार्केट खुलेगा, 25 तारीख बुधवार का दिन रहेगा। तो उसके लिए एक बार डेटा को एनालाइज करते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं कौन क्या लेके गया है और हमारा कल का डेटा के बेस पे क्या व्यू बन रहा है। ठीक है, तो आइए एजुकेशन के पर्पसेस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाई सेल आप अगर करते हैं इसके बेस पे, तो आपसे दरख्वास्त है किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से जरूर सलाह ले लीजिएगा, सेबी रजिस्टर्ड हो तो और भी बढ़िया। तो क्लाइंट स्टॉक फ्यूचर निकाल के गया है, इंडेक्स फ्यूचर थोड़े से बाई करके गया है, इंडेक्स कॉल उसने निकाली है, पुट बाई करी है। तो बेसिकली वॉल्यूम इतना ज़्यादा क्लाइंट का है नहीं और अपनी पोजिशन को हल्की करके गया है, तो नेट बेसिस में देखना पड़ेगा उसके पास बचा गया। FI स्टॉक फ्यूचर अच्छे खासे बाई करके गए हैं, जो कंटिन्यूसली बाई कर रहे हैं। तो भैया मार्केट में तेजी आनी चाहिए भैया, जिस हिसाब से FIs की बाइंग चल रही है स्टॉक फ्यूचर में, हो सकता है फ्राइडे से चालू हो, बाकी चलिए देखते हैं। इंडेक्स कॉल भी बाई करके गए हैं, पुट राइट करके गए हैं, तो FIs का डेटा तो तेजी का है भाई, इसमें कोई और अच्छा खासा तेजी का है। ठीक है, प्रोज की बात करें तो प्रोज जो है पुट बाई करके गए हैं, इनका कोई इतना पार्टिसिपेशन आज है नहीं, बट इनकी पिछले दो दिन से पोजीशन बहुत अच्छी बनी हुई है मार्केट में बेयरिश साइड की, किसकी, प्रोज की। तो वो देखना पड़ेगा हमको एक बार इनके नेट बेसिस में इनके पास है क्या। DIs तो वैसे ही शगुन डालते हैं बस, और कुछ करते नहीं है डेरिवेटिव्स में। आइए एक बार नेट बेसिस में देखते हैं हम लोग किसके पास क्या क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 64,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके नेट प्लस में है क्लाइंट के, बाकी सब कोई इतना खास चेंज है नहीं। FIs ने -39 से -47 किया है, बट इसको हमको इनको मिला के भी देखना पड़ेगा भाई ये बाकी क्या करके गए हैं। तो एक तरीके से पोजीशन को हेज करके गए हैं कॉल के साथ, और ऑप्शन के डेरिवेटिव्स में ये लोग बुलिश ही हैं, तो यहाँ से कोई खास इंडिकेशन है नहीं दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स कॉल की बात करें अगर, तो ये डेटा मैं क्लाइंट को पहली बार देख रहा हूँ, हमें दरकिनार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा भैया FIs की बाइंग देखिए 2 लाख प्लस है और प्रोज की सेलिंग 1,94,000 है। तो ये आपस में आमने सामने अब हो गए हैं, क्लाइंट यहाँ पे कहीं नहीं है, क्लाइंट बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है, बट ये दोनों लोग आपस में आमने सामने हो गए हैं, बड़े बड़े हाथी। और मैंने देखा है कई बार FIs प्रोज की पेंट उतार देते हैं, ये मैंने कई बार देखा है, बट इसको देख के मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता कि कल मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, कल कौन भारी पड़ेगा वो कल ही पता लगेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसकी तरफ। तो ये डेटा लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है वहाँ से थोड़ा बहुत हल्का ही हुआ है, मंदी का बना हुआ था, 3,05,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके FIs के बाइंग साइड में थे और अब हो गए 2,75,000, तो हल्का फुल्का हुआ है। और इसमें तेज़ी को और इंडिकेट करता है 2,75,000 कॉन्ट्रैक्ट FI स्टॉक फ्यूचर में बाई खड़े हुए हैं। तो हो सकता है इनकी तैयारी है भैया, क्या कहते हैं, अगले दो दिन के लिए ना हो, ये एक्सपायरी निकल जाए उसके बाद की हो FIs की, अदरवाइज़ FIs अपनी बुलिश पोजीशन अच्छी खासी बना चुके हैं। और अगर कल ही इसके बेस पे अगर मार्केट चलता है तो 1,600-1,400 एक बार स्क्रीन पे दिख सकता है आपको, स्पेशली जो इनके स्टॉक फ्यूचर बाई हैं। ठीक है, ये स्टॉक फ्यूचर बाई है और 2,75,000 स्टॉक फ्यूचर खड़े रहते हैं, तो फिर भैया अगर अगले दो दिन में तेज़ी नहीं होती है तो फिर फ्राइडे से तेज़ी होनी चाहिए, जो हमको ये दिखा रहा है डेटा, मैं डेटा की बात कर रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, कल 16,200 या आप कह लीजिए 16,150, क्योंकि वेडनेसडे थर्सडे हो गए हैं, राउंड लेवल पे आ जाइए 16,150, इसके ऊपर निफ्टी आप बाई कीजिए। ठीक है, और SL लगा लीजिए 16,125 का, टारगेट आपका 16,225, 16,260, 16,340, 16,400 तक, ये दो मार करके लिख लीजिए। और बाइंग साइड में बैंक निफ्टी की तरफ रहिए, बैंक निफ्टी अगर 34,400 के ऊपर रहता है, 34,400, तो आप उसमें भी बाइंग करके चल सकते हैं, टारगेट आपका 34,650, 34,800, ये दो लेवल के। डेटा तेजी का है इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।